एट्थ क्लास एक्सरसाइज 6.3 देखो आज वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल देखो कैसे ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, मतलब फैक्टर निकालने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब जिनको डिवाइड ना कर सकें, जो प्राइम नंबर होते हैं वही लेने हैं हमें। तो जैसे नंबर हमें 729 दिया है तो ये 3 से डिवाइड होता है, 2, 3, 5, 7 ये नंबर लेने हैं, उन्हीं के साथ डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2, 6, 1 रिमाइंडर 12, 3, 4, 12, 3, 3, 9, 3, 8, 24, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 2 रिमाइंडर 1, 2 इधर गया तो 21 बन गया, 3, 7, 21, 3, 9, 27, 3, 3, 9, 3, 1, 3। तो अब जो है पेयर्स लेने हैं, पेयर बनाने हैं हमें, ये पेयर बन गए, पेयर में एक एक नंबर काउंट होगा वर्गमूल में, तो वर्गमूल में एक एक नंबर आ जाएगा, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 27, तो 27 हमारा क्या है आंसर, वो क्या है वर्गमूल ऑफ 729। चलो 8100 देखो, ये वाला नंबर है, अब इसको भी ऐसे गुणनखंड बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ, इसके फिर पेयर बनाओ, जैसे 3, 27, 81, 00, 3, 9, 27, 00, 3, 3, 9, 00, 300, 300, 3, 2, 50, 100, 2, 25, 50, 5, 5, 25, 5, 1, 5। चलो अब ये सारे नंबर जो है इनके पेयर बनाओ, 3 का बन गया, 2 का भी बन गया और 5 का भी बन गया, तो एक एक नंबर काउंट होगा वर्गमूल में, 3, 3, 2, 5, तो इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3, 3, 9, 5, 9, 10, 9, 10, 90, 9, 10, 9, तो ये आपका क्या है वर्गमूल निकालने का तरीका है, मेथड है। पहले फैक्टर निकालने हैं, फिर पेयर बनाने हैं और फिर गुणा कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है।